नगर परिषद टोंक द्वारा गांधी खेल मैदान में सूर्य नमस्कार की मुद्रा की कलाकृतियां लगाने का कार्य 24 तारीख 2019 को पूर्ण हुआ था, जिसका लोकार्पण पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट द्वारा अध्यक्षता सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया ने की गई थी, जिसकी कुल व्यय राशि 40 लाख थी। यह कलाकृतियां शहर में सौंदर्यकरण का स्वरूप है, मगर 2 साल गुजर जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मूर्तियों के पीछे उगे झाड़ व पेड़ बहुत बड़े हो गए हैं, जिनके चलते मूर्तियों की जगह झाड़ियां नजर आने लगी है। क्या शहर की सौंदर्यकरण की देखभाल करने वाला कोई नहीं है? नगर परिषद की नज़र में क्यों नहीं आती ये मूर्तियां?